प्लास्टिक करने के बाद क्या फर्स्ट नाइट में ब्लीडिंग होता है, हाइमेनोप्लास्टी करने में कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए जिसके कारण ब्लीडिंग के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अर्थशाह, मैं एनसीएच प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। फ्रेंड्स, हाइमेनोप्लास्टी मैरिज के पहले की जाती सर्जरी है, जिसको रिवर्जिनिटी सर्जरी भी बोलते हैं। ये हम बहुत फीमेल्स इधर आती है कराने के लिए, कई सारे रीजन से हाइमेन टूटता है, जिसका रीजन होता है कई बार इंटरकोर्स से होता है, कई बार हैवी एक्सरसाइज से होता है, पर कई बार स्टिल सोशल टैबू है कि फर्स्ट नाइट में ब्लीड होना चाहिए, या कई बार गिल्ट फील के लिए फीमेल आती है कि हमको रिवर्जिन होना है। तो ये बहुत सारे कॉमन रीजन से हमारे पास लोग आते हैं पूरे इंडिया से। आधे घंटे की सर्जरी है, बहुत सेफ सर्जरी है, लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं है, 4 घंटे में घर जा सकता है। उसमें हम एक स्पेशल टेक्निक करते हैं जिसमें माइक्रोस्कोप में देख के हम लोग फ्लैप टेक्निक करते हैं, जिसमें इंटीरियर एंड पोस्टीरियर फ्लैप करते हैं। जैसे ये हाइमेनल टैग होता है, उसमें फ्रंट एंड बैक टैग होता है, उसको हम डिटैच करते हैं, जिसमें बिल्कुल ब्लीडिंग ना हो उस तरीके से करते हैं, पेशेंट को पेन ना हो, और हम उसको रिपेयर करते हैं। अगर वो 2 लेयर में रिपेयर किया जाए, माइक्रोस्कोप में रिपेयर किया जाए, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, और इसीलिए पेशेंट कई बार ये सर्जरी हमारे पास कराते हैं। जो भी स्टिच यूज़ करते हैं वो 7 दिन में गल जाते हैं, एकदम माइक्रो स्टिच हम लेते हैं, जिससे कभी भी वो धागा भी बाहर नहीं निकलता है, और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं। फीमेल असिस्टेंट होती है, फीमेल कोऑर्डिनेटर होते हैं हमारे, जो ये पेशेंट को हेल्प करते हैं, और कभी भी इसकी आइडेंटिटी हम लाइफ टाइम में डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि फीमेल क्या साइकोलॉजी से गुजर रही है और उनको क्या साइकोलॉजिकली बॉदर कर रहा है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसी कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी क्वेरी है, तो प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाइए, या आप हमारा भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जस्ट ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, कोई साइड इफेक्ट पेज, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई फॉलोअप की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।